हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन ऑन कूम्स टेस्ट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कूम्स टेस्ट एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है, एंड एज वी नो कि कोई भी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में एंटीजन एंटीबॉडीज का इंटरेक्शंस देखने को मिलता है। सो हियर आल्सो इन कूम्स टेस्ट हम लोग यही पढ़ेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन। सो लेट्स डिस्कस इट। कूम्स टेस्ट जो कि एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है, दैट मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन है। एंटीजन इज ए जी, एंटीबॉडी को ए भी लिखा है हमने। अब मैं यहाँ पे एक फैक्ट बताऊंगी, एंड दैट इज कि कूम्स टेस्ट में हमारा दो एंटीबॉडीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। द फर्स्ट एंटीबॉडी से इट इज एंटीबॉडी वन, द सेकेंड वन इज एंटीबॉडी टू। फर्स्ट वाला जो है उसको मैं डिनोट कर रही हूं विद द ग्रीन कलर, एंड इट इज जनरली आई जी जी टाइप का एंटीबॉडी। The second antibody I am denoting with the blue color, which is pentameric in nature, IgM type of antibody, and this first antibody is generally the human antibody, and the second one is animal derived antibody. So, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो फर्स्ट एंटीबॉडी का कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज कि इट इंटरैक्ट्स विद द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सेल। दिस एंटीजन विच वी आर टॉकिंग अबाउट वो उसके साथ इंटरैक्ट करता है। सो एंटीजन विद एंटीबॉडी वन। अब क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडी वन है, आप जैसा कि जानते हो कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सो ये इसका एफ ए बी पोर्शन होता है, ये एफ सी पोर्शन होता है। तो ये जो एफ सी पोर्शन है वो इस सेकेंड एंटीबॉडी के लिए एक एंटीजन का काम करता है, बिकॉज ये किसी और स्पीशीज से है, दैट इज ह्यूमन स्पीशीज से है। सो ह्यूमन वाला जो एफ सी कॉम्पोनेंट है वो इस स्पीशीज के एंटीबॉडी के लिए, इसके एफ ए बी कॉम्पोनेंट के लिए ये एक एंटीजन का के तरह काम करेगा। सो इट विल बी इंटरैक्टिंग विथ एंटीबॉडी वन का एफ सी पोर्शन टू एंटीबॉडी टू, ये एक इंटरेक्शन होगा। सो वी हैव टू इंटरेक्शन, एक है जो हमारा एंटीजन विथ एंटीबॉडी वन है, द सेकेंड वन इज एंटीबॉडी वन एफ सी कॉम्पोनेंट विथ एंटीबॉडी टू। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग को ये समझना है कि ये जो इंटरेक्शन हम लोग देख रहे हैं, एंटीजन को मैं यहां पे बता देती हूं कि हम लोग डिनोट करेंगे विद द रेड कलर, एंड जनरली हम लोग यहां आरबीसी की या सेल्स की बात करेंगे तो उसके बेसिस पे हम लोग यहां एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। नाउ एज वी नो कि कूम्स टेस्ट जो होता है दैट इज दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टेस्ट होता है, एक इनडायरेक्ट टेस्ट होता है। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द डायरेक्ट टेस्ट। देखो इसमें एक चीज आपको बहुत इजिली समझना है, वो ये है कि जो एंटीबॉडी टू है उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग उसको डायरेक्ट बोलेंगे या इनडायरेक्ट बोलेंगे। अगर हमारा एंटीबॉडी टू डालने के बाद, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एंटीबॉडी वन का प्रेजेंस है या नहीं, क्योंकि कूम्स टेस्ट हम लोग कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि हम लोग ये जान सके कि एंटीबॉडी वन प्रेजेंट था या नहीं था। सो टू नो दैट हम लोग कूम्स टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो होता है वो विजिबल नेकेड आई से नहीं दिखता है। तो टू सी इट हम लोग यहाँ पे क्लम्प्स का फॉर्मेशन करवाएंगे, एंड दैट इज अग्लूटिनेशन रिएक्शन करवाएंगे, सो दैट कि हमें वो चीज जो भी हमारा रिएक्शन हुआ है वो विजिबल आई से दिख सके। तो नेकेड आई से देखने के लिए ही हम लोग ये काम कर रहे हैं, दैट इज कि हम लोग को ये जानना है कि ये वाला एंटीबॉडी का प्रेजेंस है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एंटीबॉडी टू को हम डाल के देखेंगे। अगर हमें अग्लूटिनेशन फर्स्ट स्टेप सिर्फ एंटीबॉडी टू डालने से मिल जाता है, दैट मीन्स वो डायरेक्ट रिएक्शन है। और अगर हमें एंटीबॉडी टू डालने से कोई रिएक्शन नहीं मिलता तो फिर इसका मतलब कि हमें इनडायरेक्टली फिर वन को ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में, एंड देन आफ्टर दैट एंटीबॉडी टू इंटरैक्ट कर पाएगा। दैट मीन्स कि इट विल फॉलो ए इनडायरेक्ट पाथ, वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर पाएगा, एंटीबॉडी टू डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर पाएगा। वी ऑल्सो हैव टू एड एंटीबॉडी वन इन दिस। तो इसका मतलब ये दो स्टेप प्रोसीजर है हमारे लिए, वेर एज इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसीजर। तो अब इसको हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। दिस इज कि ये हमारा, हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट केस है जिसमें कि एंटीबॉडी वन प्रेजेंट था आपके पास, दिस एंटीबॉडी वन वॉज प्रेजेंट। तो अगर एंटीबॉडी वन प्रेजेंट था तो वो एंटीजन से इंटरैक्ट करेगा, एज आई ऑलरेडी सेड कि एंटीबॉडी वन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि दैट इंटरैक्ट विद द एंटीजन। तो ये एंटीजन से इंटरैक्ट कर गया इसने। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने वी एडेड एंटीबॉडी टू टू द
सॉल्यूशन. तो हमने इस पर्टिकुलर टेस्ट में एंटीबॉडी 2 को ऐड किया टेस्ट ट्यूब में. अब उसके बाद क्या हुआ कि इसको ऐड करते ही हमने कुछ ऐसा रिएक्शन देखने को मिला हमें. दिस इज कि हमें अग्लूटिनेशन देखने को मिला. इसमें क्या हो रहा है सी कि ये एक एंटीजन है, यहाँ पे इसके साथ ये एंटीबॉडी इंटरैक्ट किया. वैसे ही सिमिलरली हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स है. सिंस ये एक पेंटामेरिक मॉलिक्यूल है तो ये 5 Fc कॉम्पोनेंट से बाइंड कर सकता है, बाउंडेड टू द 5 Fc कॉम्पोनेंट. एज अ रिजल्ट ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया. दिस इज नोन एज अग्लूटिनेट एंड दिस होल रिएक्शन इज नोन एज अग्लूटिनेशन. अब इसको आराम से हम लोग देख सकते हैं विद द नेकेड आई. तो हम लोग को पता चला कि हमने सिर्फ एंटीबॉडी 2 जैसे ही डाला तो हमें ये अग्लूटिनेट देखने को मिल रहा है. दैट मीन्स कि ये हमारे पास एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट था ओवर द सर्फेस. अब सेकेंड सिनेरियो में आते हैं वेर इज कि हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, दैट इज कि अभी तक हमारे पास एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है. तो व्हाट विल हैपन कि हम लोग जब इस केस में, सपोज इस केस में हम लोग जहां पे सिर्फ एंटीजन प्रेजेंट था, हम लोग ने वहां पे इस एंटीबॉडी को डाला. ये हमारा सेकेंड एंटीबॉडी है, इसको हमने ऐड किया. बट एज यू नो कि सिंस Fc कॉम्पोनेंट से ये बाइंड करेगा, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि एंटीबॉडी 2 का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो एंटीबॉडी 1 के Fc कॉम्पोनेंट से बाइंड करता है. तो सिंस हमारे पास यहाँ पे अभी तक Fc कॉम्पोनेंट है ही नहीं तो ये इससे बाउंड नहीं कर पाएगा. सो इट विल नॉट बाइंड एंड कोई अग्लूटिनेशन हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा. तो इसका मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनडायरेक्टली अब यहाँ पे एंटीबॉडी 1 का एडिशन करना पड़ेगा. सो व्हाट वी डिड इज कि हमने ह्यूमन सीरम को ऐड किया. तो हमने इस एंटीबॉडी को यहाँ ऐड किया. आफ्टर एडिंग एज वी नो कि फर्स्ट एंटीबॉडी एंटीजन से जाके अब बाइंड कर जाएगा, तो ये बाइंड कर गया. अब हमने जो एंटीबॉडी 2 ऐड किया था, अब सिंस हमारा ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो गया है तो अब Fc कॉम्पोनेंट है यहाँ पे प्रेजेंट. तो अब ये जो हमारा IgM वाला मॉलिक्यूल है, जो सेकेंड एंटीबॉडी है, वो इजिली बाइंड कर सकता है एंड अगेन हमको अग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा. दैट मीन्स कि पहले वाले जो हमारा टेस्ट था, फर्स्ट टेस्ट, दैट वॉज डायरेक्ट टेस्ट, उसमें हमें पहले से ही एंटीबॉडी 1 का प्रेजेंस था हमारे पास. दैट इज वाई हमारा सिर्फ एंटीबॉडी 2 डालने पर रिएक्शन मिला एंड वेयर एज डायरेक्टली मिला. एंड जबकि इनडायरेक्ट टेस्ट में हमें एंटीबॉडी 1 का भी एडिशन खुद से करना पड़ा. ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो इसका है, दैट इज कि RH आइसो इम्यूनाइजेशन में हम लोग इसको पढ़ते हैं एंड ऑल्सो हम लोग और भी ऑटो इम्यून रिएक्शन में इसको पढ़ते हैं. बट वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ RH आइसो इम्यूनाइजेशन हियर. और इसके वजह से जो होता है दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, विच मीन्स कि फीटस के एरिथ्रोब्लास्ट जो है उनका डैमेज हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फीटस जो है वो उसकी डेथ हो जाती है इन यूट्रो. सो यहाँ पे क्या होता है कि RH आइसो इम्यूनाइजेशन हम लोग तब पढ़ते हैं जब मदर जो होती है इज RH नेगेटिव एंड फीटस जो वो कैरी कर रही होती है वो RH पॉजिटिव होता है. बिकॉज कि फादर RH पॉजिटिव है एंड मदर RH नेगेटिव है एंड क्योंकि स्पाउस का RH मतलब डिफरेंट था, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हो सकता है कि कभी कभी फीटस जो है, एज वी नो कि यहाँ मेंडेलियन का इनहेरिटेंस लगता है एंड देन फीटस यहाँ पे पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी है. सो मान लो कि सपोज कि मदर जो है वो फीमेल जो थी मदर, ठीक है, तो शी वॉज कैरिंग अ RH पॉजिटिव बेबी, RH पॉजिटिव फीटस को वो कैरी कर रही थी एंड शी हरसेल्फ वॉज RH नेगेटिव. तो एज अ रिजल्ट ऑफ क्या होगा कि अगर मान लो कभी भी ऐसा होता है कि बैरियर का ब्रेक होता है, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर जो है उसका ब्रेक होता है और फीटस के सेल्स किसी भी तरह से मदर को एक्सपोज हो जाते हैं, तो मदर, क्योंकि फीटस के पास एंटीजन प्रेजेंट है RH एंटीजन, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि मदर का इम्यून सिस्टम विल मेक एंटीबॉडीज. तो अब मदर ने एंटीबॉडीज इस फीटस के RH के अगेंस्ट बनाया है. सो व्हाट विल हैपन, दीज एंटीबॉडीज आर IgG इन नेचर. तो ये एंटीबॉडीज इजिली प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगे एंड क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगे इट विल गो एंड इंटरैक्ट विद दीज RH पॉजिटिव सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द फीटस और उसके वजह से ये फीटस के सेल्स को डैमेज कर देंगे एंड देन फीटस को अनिमिया हो जाएगा. एंड वी नो कि अनिमिया के वजह से हार्ट फेलियर एंड ऑल मिलता है, फीटस में बहुत सारा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा एंड फीटस विल डाई. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ये सब चीज होगी. तो अब हम लोग को ये जानना है कि मदर एक्सपोज्ड है या नहीं. सो मदर के एक्सपोजर को जानने के लिए हम लोग यहाँ पे कूम्स टेस्ट का यूज करते हैं. अगर मदर एक्सपोज्ड है, इफ मदर इज एक्सपोज्ड, तो मदर ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया होगा एंड वो एंटीबॉडीज क्रॉस करके प्लेसेंटा से गए होंगे फीटस के पास एंड दिस इज अ फीटल एरिथ्रोब्लास्ट. तो फीटल एरिथ्रोब्लास्ट के पास ये RH एंटीजन है,
ये RH एंटीजन है और ये RH एंटीजन के अगेंस्ट मदर ने जो एंटीबॉडी बनाया वो है. सो दिस एंटीजन एंटीबॉडी का ऑलरेडी इंटरेक्शन हो रखा होगा एंड नाउ यू कैन सी अगर ये इंटरेक्शन हो रखा होगा तो अगर हमको ये इंटरेक्शन को देखना है तो इसका मतलब कि डायरेक्ट कूम्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा एज ये कुछ नहीं है बट यही वाला डायग्राम है. ठीक है, दैट मीन्स कि डायरेक्ट कूम्स टेस्ट हम लोग को पॉजिटिव मिलेगा. वेयर एज इन द सेकेंड केस जहां पे मदर एक्सपोज नहीं है सो नो एंटीबॉडीज हैव बीन प्रोड्यूस्ड येट, तो इसका मतलब अभी तक फीटस का जो सेल है दैट इज मतलब नॉट एक्सपोज, मतलब उसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ हुआ है. दैट मीन्स दिस इज दिस वन कि इसमें इंटरेक्शन नहीं हो रखा, अभी तक कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर से इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी को लेंगे. यहाँ पे एंटीबॉडी वन जो है वो इस एंटीजन के अगेंस्ट होता है, तो इसको हम लोग सिंथेसाइज्ड या फिर किसी और ह्यूमन से लेंगे. फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस एंटीबॉडी को इससे इंटरैक्ट करवाएंगे ह्यूमन से लेके. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके बाद इसमें एंटीबॉडी टू ऐड करेंगे, तो फिर सेम रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, अब इसमें ये फर्स्ट केस जो है क्योंकि इंटरेक्शन हुआ हुआ है तो इसमें जो डैमेज देखने को मिलता है दैट इज बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन. होता क्या है, क्योंकि सिंस ये आईजीजी टाइप का एंटीबॉडी है एंड एज वी ऑल नो कि एंटीबॉडी आईजीजी जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर सकता है, तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन से मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, C5 टू C9 जिसको हम कहते हैं. तो ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है वो जाके सेल का लाइसिस कर देगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारा सारा जो मतलब फीटस का जो सारा सेल्स है वो डैमेज हो जाएगा आरबीसीज एंड उसके वजह से फीटस को अनीमिया हो जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे फ्लूइड्स का एक्युमुलेशन हो जाएगा एंड फीटस विल डाई. आउट ऑफ हार्ट फेलियर भी हो जाएगा, बाकी सारे भी ऑर्गन्स के फेलियर हो जाएंगे बिकॉज ब्लड इज नॉट रीचिंग एनीवेयर, क्योंकि ब्लड सेल्स ही नहीं है हमारे पास, तो उसके वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फीटस को एनीमिक है ही, साथ में हाइपोक्सिक हो जाएगा एंड फीटस विल डाई इन यूट्रो. आई होप इट्स क्लियर, थैंक यू.